वैश्य समाज को राजनीति में चाहिए हिस्सेदारी। फफूंद अरैया गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का जिला स्तरीय सम्मेलन शुक्रवार को फफूंद कस्बा में स्थित पोरवाल गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज को राजनीतिक में अपनी भागीदारी चाहिए। शुक्रवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि वैश्य परिवार का एक पुत्र मनीष गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर मनीष गुप्ता के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वैसे समाज पैसा भी देता है और टैक्स भी, लेकिन उसे राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाती। लेकिन 2022 के चुनाव में ऐसा नहीं होगा। कोई भी राजनीतिक दल वैसे समाज को लेकर गलतफहमी में ना रहे, इस भागीदारी के लिए विशाल वैश्य राजनीतिक अधिकार यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। यात्रा 5 दिसंबर 2021 को मैनपुरी से प्रारंभ होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रमुख समाज है। जो भी राजनीतिक दल वैश्यों से अपने को दूर करेगा, उस दल को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। प्रदेश महामंत्री अनु गुप्ता ने कहा कि राजनीतिक भागीदारी के लिए वैश्य एकता परिषद आवाज़ बुलंद करने का कार्य करेगा। यदि हमारा वोट लेने के बाद हमको कोई भूलेगा तो उसको हम लोग वोट की चोट से जवाब देंगे। कार्यक्रम में विष्णु गुप्ता, कल्लू गुप्ता, गौरव गुप्ता, अनिल गुप्ता आदि वैश्य भामाशाह मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रेम कुमार गुप्ता ने किया। ब्यूरो चीफ बिमल पांडे की रिपोर्ट।